गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक दैट इज पॉलीमर. सो अंडर द हेडिंग ऑफ पॉलीमर व्हाट द सिलेबस वी विल कवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर, देन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर, एडवांटेजेस and application of polymer in pharmaceutical science as well as in control release drug delivery system. Now coming towards the learning objective of this chapter, after attending this session you will be able to learn about the definition and terminology related to polymers. You will understand the classification of polymers, you will understand the properties of polymer, and we will discuss here the advantages of the polymer. You will understand the application of. Here is the one definition of the monomer. You can see here the monomer. पहले हम देखेंगे कि monomer क्या होता है, ठीक है, और फिर polymer क्या होता है. तो मोनोमर इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल, है ना, मोनोमर इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल. एंड मोनोमर दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनो एंड मर. मोनो मींस सिंगल एंड मर मींस पार्ट, सिंगल पार्ट, है ना. स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोनोमर कहलाते हैं. फेरेज पॉलीमर, पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. इसमें ग्रीक वर्ड से भी मिलकर बना है पॉली, पॉली मींस मैनी, एंड मर मींस पार्ट, ठीक है. तो मोनोमर सिंगल पार्ट्स, पॉलीमर मैनी पार्ट्स. पॉलीमर कई सारे मोनोमर से मिलकर बनता है पॉलीमर, ठीक है. यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे तो मोनोमर से सिंगल सिंगल यूनिट दिखाया गया, उसका पॉलीमराइजेशन हुआ जिससे वो पॉलीमर बन गया, इस चैन फॉर्म में आ गया. पॉलीमर आर हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटिंग सब यूनिट कॉल्ड द मोनोमर कनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड. फिर से देखें, पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड और मैक्रो मॉलिक्यूल्स. हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटिंग सब यूनिट. कई सारी रिपीटिंग सब यूनिट, कई सारी यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, और उन यूनिट्स को क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं. मोनोमर्स कनेक्टेड बाय द कोवलेंट बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड्स. ये जो छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्ट रहते हैं, है ना. फिर से देखें कि मोनोमर होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स पार्ट, और पॉलीमर होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट. पॉलीमर आर हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मैनी रिपीटिंग सब यूनिट्स कॉल्ड द मोनोमर कनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड्स. अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया है कि पॉलीमर कई सारे मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं, और किसके द्वारा बनाते हैं, किस रिएक्शन के द्वारा, पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाते हैं. तो पॉलीमराइजेशन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर यूनिट्स टू फॉर्म ए लॉन्ग चैन पॉलीमर दैट इज टर्म एज पॉलीमराइजेशन. जिस रिएक्शन के द्वारा दो या अधिक मोनोमर मिलके एक लंबी चैन पॉलीमर की बनाते हैं उसको कहते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे मोनोमर है ना, सिंगल यूनिट है, ये डाइमर है, टू यूनिट है, ट्राइमर है, ये तीन यूनिट है, ओलिगोमर है, इसमें 3200 मर्स हैं, 3200 मर्स हैं, और पॉलीमर ओवर 200 मर्स, और 200 से ज्यादा जब मर्स मिल जाते हैं, मोनोमर्स मिल जाते हैं, तो इसको अपन पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे एक और वर्ड आता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डीपी, ठीक है. तो
नंबर ऑफ मोनोमर इन ए चैन, कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स उस चैन में है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल पॉलीमर। कैरेक्टरिस्टिक कैसे होना चाहिए आइडियल पॉलीमर के वो देखेंगे। इट शुड बी वर्सेटाइल एंड पॉसेस ए वाइड रेंज ऑफ मैकेनिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वर्सेटाइल नेचर का होना चाहिए कि कहीं भी उसको यूज कर सकें और वाइड रेंज ऑफ मैकेनिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की होना चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इट शुड हैव गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होना चाहिए। इट शुड इजिली एडमिनिस्टर्ड, इजिली एडमिनिस्टर्ड हो जाए, किसी भी डोसेज फॉर्म में एडमिनिस्टर करना है तो इजिली एडमिनिस्टर्ड हो जाए। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होना चाहिए। इजी टू फैब्रिकेट, उसको इजिली बनाया जा सके, इजी टू फैब्रिकेट। इनर्ट टू होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू को इनर्ट होना चाहिए। और कंपेटिबल विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ में कंपेटिबल होना चाहिए, है ना। कैसे कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए आइडियल पॉलीमर की फिर से देखेंगे। इट शुड बी वर्सेटाइल एंड पॉसेस ए वाइड रेंज ऑफ मैकेनिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, इट शुड हैव ए गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इट शुड इजिली एडमिनिस्टर्ड, इजिली एडमिनिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, और एन एक्सपेंसिव होना चाहिए, इजी टू फैब्रिकेट, इनर्ट टू होस्ट सेल, होस्ट टिश्यू, और कंपेटिबल विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ में कंपेटिबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए पॉलीमर, आइडियल पॉलीमर। ठीक है, इसके बाद क्राइटेरिया फॉलोड इन पॉलीमर सिलेक्शन, पॉलीमर को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन कौन से क्राइटेरिया उसको देखना पड़ते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द पॉलीमर शुड बी सॉल्युबल एंड इजी टू सिंथेसिस, जो पॉलीमर है वो सॉल्युबल होना चाहिए और इजी टू सिंथेसिस, सिंथेसिस करने में भी इजी होना चाहिए। इट शुड हैव फाइनेट मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो निश्चित होना चाहिए उसका। ठीक है, इट शुड बी कंपेटिबल विथ बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट के साथ में एक कंपेटिबल होना चाहिए। इट शुड बी बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। और इट शुड प्रोवाइड गुड ड्रग पॉलीमर लिंकेज, पॉलीमर और ड्रग के बीच में जो लिंकेज है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको हम फॉलो करते हैं व्हाइल सिलेक्शन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, फिर से देखें, द पॉलीमर शुड बी सॉल्युबल, पॉलीमर सॉल्युबल होना चाहिए, इजी टू सिंथेसिस होना चाहिए। इट शुड हैव ए फाइनेट मॉलिक्यूलर वेट, फाइनेट मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए उसका। ठीक है, इसके बाद इट शुड बी कंपेटिबल विद बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट के साथ में कंपेटिबल होना चाहिए। इट शुड बी बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड ड्रग पॉलीमर लिंकेज, ड्रग पॉलीमर लिंकेज प्रोवाइड करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाय, प्रॉपर्टीज कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी पैरामीटर से अपन प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट उसका देखकर, सॉल्युबिलिटी उसकी हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है या सॉल्युबल है या हाइड्रोजेल फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टलिनिटी क्या है कैसी है, लेंथ उसकी कितनी है, बैकबोन स्ट्रक्चर कैसी है और साइड चेन्स कैसी है, इनको देख के, इन पैरामीटर्स को देख के प्रॉपर्टी उसकी डिटरमाइन की जा सकती है। क्या क्या, मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, सॉल्युबल है, हाइड्रोजेल फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टलिनिटी, और इसके बाद लेंथ और बैकबोन स्ट्रक्चर, साइड चेन, है ना, ये सब प्रॉपर्टीज अपन उसकी देखते हैं। के बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर, तो पॉलीमर को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज देयर, तो फर्स्ट वन इज द बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन विद द वाटर, पॉलीमर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन
interaction with the water. This is non-biodegradable hydrophobic polymer. Non-biodegradable hydrophobic polymer. इसका एग्जाम्पल है पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड. सेकेंड है सॉल्युबल पॉलीमर. सॉल्युबल पॉलीमर भी हो सकते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के साथ में, जैसे HPMC है, PEG है. हम कई सारे जेल बनाते हैं HPMC का यूज करते हैं, और पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का यूज कर सकते हैं. ठीक है, हाइड्रोजेल, हाइड्रोजेल पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन हाइड्रोजेल फॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये कुछ बेस्ड ऑन द इंट्रेक्शन विद द वाटर. हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं और सॉल्युबल हो सकते हैं और हाइड्रोजेल टाइप के हो सकते हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन मेथड. पॉलीमराइजेशन मेथड कौन सी यूज किए जा रही है उसमें, उसके बेस पे भी अपन कर सकते हैं. जैसे एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर. एडिशन रिएक्शन के द्वारा और कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है. तो एडिशन रिएक्शन के द्वारा होता है, जैसे एल्केन पॉलीमर होते हैं, है ना. कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा जो पॉलीमर बनते हैं वो पॉलीस्टीरीन पॉलीएमाइड्स जो होते हैं, वो आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा उनका फॉर्मूलेशन होता है. तो सेकेंड था इसमें बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन मेथड्स. थर्ड इसमें बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म. पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के बेस्ड पे होता है. फर्स्ट वन इज द चैन पॉलीमराइजेशन और सेकेंड इज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. चैन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बेस्ड पे भी होता है. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को डिटेल में बाद में फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हमको डिस्कस करना है. ठीक है, इसके बाद है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर. बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर मींस एक्टिवेटेड कार्बन कार्बन पॉलीमर है या इनऑर्गेनिक पॉलीमर है या नेचुरल पॉलीमर है या बेस्ड ऑन अकरेंस, ना. फोर्थ नंबर का बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर. वैसे देखें एक्टिवेटेड सीसी पॉलीमर, इनऑर्गेनिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर, है ना. और बेस्ड ऑन अकरेंस मींस नेचुरल पॉलीमर. नेचुरल पॉलीमर में प्रोटीन, केराटिन, एल्ब्यूमिन, सेलुलोज, ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं. बेस्ड ऑन अकरेंस कैसे उसको ऑब्टेन किया गया है, या बेस्ड ऑन सोर्स. अकरेंस मींस सोर्स, ठीक है. और नेचुरल सोर्स से है या सिंथेटिक पॉलीमर है, तो सिंथेटिक पॉलीमर में पॉलीएस्टर्स एंड पॉलीएमाइड्स. ठीक है, और लास्ट वन इज द बेस्ड ऑन बायो स्टेबिलिटी. बायो स्टेबल है कि कैसा है कि नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है. मींस बायोडिग्रेडेबल कि बायोलॉजिकली जब जब मीडिया में वो डिग्रेडेशन उसका हो जाता है कि नहीं होता है. ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, तो नॉन बायो, तो बेस्ड ऑन द बायो स्टेबिलिटी. तो ये कुछ इसकी क्लासिफिकेशन में हमने 6 टाइप का पॉलीमर्स पढ़े. ठीक है, तो इतना पार्ट अपन ने आज कवर किया. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में.